नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश चाटी और सिलसिला बाजारों का में आज चर्चा करेंगे कमोडिटी बाजार के अपडेट की। जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बंदी नजर आ रही है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रह सकता है। रूपा जी, सबसे पहले बात करें अगर यहाँ पे कैसा सीड की, अगर एग्री कमोडिटीज में, तो कैसा सीड को हमने कल के कारोबारी सत्र में 6500 तक भी ट्रेड होते हुए देखा था। 6500 का हाई लगा था और उस पर ट्रेडिंग भी देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली है। देख रहे हैं कैसे सीड का फरवरी वायदा आज 6468 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, मामूली सी करेक्शन है। रूपा जी, आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या कैसे सीड का वायदा बाजार आने वाले कारोबारी सप्ताह में यहाँ से अभी थोड़ा सा लुढ़क सकता है, हल्की सी करेक्शन आ सकती है, या फिर यहाँ से एक बार फिर से 6500-6600 के लेवल देखने को मिलेंगे? देखिए, यहाँ से करेक्शन बन सकती है क्योंकि रेंज बाउंड है। देखिए 6300 के ऊपर 6500 पहले भी हमने आता हुआ देखा, वहां से फिर से हमने डाउनसाइड देखा जो कि इसको 6000 के भी नीचे ले गया था। तो अभी फिलहाल जो है 6500 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी जब तक नहीं आती तब तक इसमें तेजी लंबी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और 6500 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो आपको 6800 से 7000 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आज के लिए देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और अप्रोक्सीमेटली सभी कमोडिटीज के अंदर आज दबाव देखने को मिल रहा है और आज करेक्शन हावी होती हुई हम सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिनोला खल भी जो आज रेंज पकड़ सकता है वो 6360 से लेकर नीचे में 6340 और ऊपर में 6420 की फिलहाल रेंज आज इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये से रूपा जी बात करें अगर बिनोला खल की, तो बिनोला खल में देख रहे हैं कि निचले स्तर से हल्की सी थोड़ी खरीदारी निकली है, जहां पे हमने 3000 तक के लेवल बनते हुए देखे थे, 3000 तक के लोज लगते हुए देखे थे बिनोला खल में, अब वहां से थोड़ी खरीदारी निकली है और बिनोला खल एक बार फिर से 3200 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहां से एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी या फिर यहां से बाजार थोड़ा और नीचे जाएगा या उठ सकता है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें बिनोला खल की तो देखिए बाजारों में तेजी है, आज हल्की करेक्शन 3240-3320 तक हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है जो कि ऊपर में वापिस से 3400-3500 के स्तर एक बार संभव है कि वापिस से मार्केट वहां तक जा सकता है। देखिए, तेजी अब ऑलरेडी मार्केट पहले आ चुकी है और अभी वो वहां तक मैक्सिमम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार मार्केट जा सकता है, उससे ज्यादा फिलहाल सस्टेनेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। और आज भी हल्की कॉटन में भी करेक्शन देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में थोड़ा सा बाजार लुढ़क सकता है। जी, ये से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि कल को हमने जीरे में शानदार बढ़त बनते हुए देखी थी। जीरे में 19,950 तक का हाई लगाया था, लेकिन 20,000 का टारगेट अचीव नहीं हो पाया था, 20,000 का लेवल नहीं देखने को मिला। आज देख रहे हैं कि जीरे में 19,000 के ऊपर ही है, लेकिन हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी बनी है, मुनाफा वसूली भी बनी है, लेकिन अभी भी 19,000 पर कायम है। आपको क्या लगता है, आने वाला कारोबारी सप्ताह जीरे के लिए कैसा रहेगा, क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हावी हो सकती है जीरे के अंदर, या फिर यहाँ से 20,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे? देखिए, जीरे में तेजी है, अभी थोड़ा बहुत आज इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है देखने को मिले, और ये प्रॉफिट बुकिंग आपको हो सकता है कि एक बार 19,000 तक नीचे आते हुए दिखाई दे, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है अभी भी और 20,000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम डाउनसाइड 19,000-18,800 तक आज इंट्राडे में हो सकता है कि देखने को मिले। जी, ये सर पर बात करें अगर धनिए की और हल्दी की, तो धनिया और हल्दी भी देख रहे हैं कि अपने सपोर्ट लेवल्स पर ट्रेडिंग करते नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली, तो ज़्यादा नरमी भी नहीं मिल रही है, सपोर्ट लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में अब यहाँ से धनिया और हल्दी में तेज़ी देखने को मिल पाएगी? देखिए, धनिया में अभी तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही थी और अभी भी आप देखिए 10,000 के ऊपर सस्टेन है, बिल्कुल आज करेक्शन है, लेकिन तेजी अभी भी बनी हुई है। धनिया हो या फिर हल्दी, इन दोनों कमोडिटीज में, इनफैक्ट तीनों ही कमोडिटीज में, मसालों में अभी पॉजिटिव रुझान है, इंट्राडे में दबाव आ सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, डिप पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में देख रहे हैं कि 12,090 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, हल्की सी करेक्शन है। ग्वार सीड का फरवरी वायदा भी 6400 के ऊपर है हल्की सी करेक्शन के साथ। रूपा जी, यहाँ से आपको क्या लगता है, ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या यहाँ से अब जो आज मुनाफा वसूली बनी है, क्या अगले कारोबारी सप्ताह में थोड़ी बढ़ती नजर आ सकती है, क्या अगले कारोबारी सप्ताह में ग्वार गम और ग्वार सीड में नरमी के साथ शुरुआत होती नजर आ सकती है ट्रेडिंग की?
देखिए ग्वार गम ग्वार सीड थोड़ा करेक्शन में जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी करेक्शन भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन हाँ, आज जिस तरीके से दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है उसके चलते हो सकता है आपको गम जो है 11,800 से 11,600 तक लुढ़कता हुआ दिखाई दे, और वहीं सीड भी 6,360 तक नीचे जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। जी, ये से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख तो रहे हैं कि अगर विदेशों की बात करी जाए तो विदेशों में सोयाबीन अच्छी खासी तेजी की ओर है। यूएस सोयाबीन की तरफ नज़र डालें तो यूएस सोयाबीन $1,452 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी के साथ। अमेरिकी सोयाबीन वायदा बाजार आज तेजी की ओर है, $1,452 पर है, आधे फीसदी की तेजी है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी देख रहे हैं कि उत्पादन के अनुमान के आंकड़े कम लगाए जा रहे हैं, पहले से जो उत्पादन के अनुमान था उसके आंकड़े में भी कटौती कर दी गई है, खराब मौसम के चलते, सूखे के चलते। और मंडियों में भी देख रहे हैं जो आवकें हैं सोयाबीन की लगातार कम ही है। ऐसे में मजबूती के दौर के बीच सोयाबीन की जो कीमतें हैं भारत में देख रहे हैं उठ नहीं पा रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह या फिर आने वाले कुछ महीनों में सोयाबीन में बढ़त देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल बढ़त आगे चलकर बन सकती है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि विदेशी बाजार तेज है और फंडामेंटल भी सपोर्टिव है, लेकिन जी हमारे यहाँ डोमेस्टिक में फिलहाल प्राइसेस जो है वो रेंज बाउंड रहेंगे, ना तो बहुत ज्यादा मंदी और ना ही बहुत ज्यादा तेजी बनेगी। लेकिन आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि तेजी आ सकती है सोयाबीन में। अभी जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं थोड़ा बहुत, और मार्केट अगर करेक्शन में जाता है वहां पर लॉन्ग टर्म होरिजन बाइंग का आप करके चल सकते हैं, क्योंकि जो सीनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते आगे आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है। जी, ये जरूर जी बात करें अगर अब M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉटन में हमने 37,000 के ऊपर के भी लेवल्स आते हुए देख लिए हैं। अब यहाँ से जो हाजिर है, हाजिर में भी देख रहे हैं कि लगातार अच्छी खासी तेजी है। बीच में कुछ मंदी देखने को मिली थी, हल्की सी करेक्शन ज़रूर बनी थी, लेकिन मार्केट फिर से वहाँ से सपोर्ट ले गया। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कॉटन 40,000 के भी पार जा सकती है? देखिए अभी सिनेरियो पॉजिटिव है, लेकिन आज इंट्राडे में भी कॉटन में भी आज ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव देखने को मिल रहा है वायदा के अंदर। तो देखिए लगातार तेजी के बाद करेक्शन ड्यू है मार्केट में, तो वो करेक्शन बन सकती है, और अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा बाजार जो है सुस्ती वाला रह सकता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और ऊपर में हमें मैक्सिमम तेजी 38,000 तक दिखाई देती है कि वायदा में आ सकती है। जी रूपा जी, आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए आज मुझे लगता है कि अगर करेक्शन आती है तो करेक्शन में आपको मसालों में बाइंग करके चलना चाहिए, और मसालों के साथ साथ बिनोला खल में भी बाय किया जा सकता है, और बिनोला खल एक बार फिर से 3,400 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनके सवाल लगातार कमोडिटीज को लेकर आ रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं जिनका सवाल बिनोला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि इन्होंने बिनोला खल के जनवरी वायदे में 3,367 के लेवल पर खरीदारी कर रखी है, इनको क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए खल में बाइंग कर रखा है 3,360 पर, तो अभी होल्ड कीजिए आप, मुझे लगता है कि वो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए और एक्सपेक्टेड है कि वो लेवल आ जाएंगे। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक हैं जिनका सवाल जीरे को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं क्या वादे के साथ साथ जीरे में हाजिर बाजार में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए एक्सपेक्टेशन तो है कि तेजी देखने को मिल सकती है जी और आगे चलकर तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े में जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रही है, जानना चाह रही हूँ सरसों का बाजार कैसा रहेगा। रूपा जी देख रहे हैं कि कुछ मंडियों में सरसों की जो आवकें हैं नई सरसों की वो देखने को मिल चुकी हैं। ऐसे में आपको क्या मिल लगता है, सरसों की जो आवकें हुई है उसकी वजह से, और अब जैसे जैसे आवकों का प्रेशर बढ़ता रहेगा तो क्या सरसों का बाजार अब यहाँ से थोड़ा मंदा ही रह सकता है? देखिए बिल्कुल, जब एक बार आवक आती है तो प्रेशर तो बनता है मार्केट के अंदर, और वो प्रेशर अभी बना रह सकता है, और वो अभी आपको कुछ दिन तक जो है बाजार जो है, इसीलिए मैंने बोला कि एडिबल ऑयल पैक जो है अभी सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इनफैक्ट सरसों के अंदर अराइवल प्रेशर के चलते गिरावट बन सकती है। जी रूपा जी, दर्शक हैं जिनके सवाल मूंगफली को लेकर आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं मूंगफली में तेजी आएगी क्या? देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब और तेजी बनती हुई कहीं दिखाई देगी मूंगफली के अंदर, आगे चलकर अब दबाव बन सकता है। रूपा जी, मनीष जी जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल चने को लेकर आ रही है, चने के बारे में जानना चाह रहे हैं क्या चने का बाजार आगे तेज देखने को मिल सकता है? देखिए चने में मुझे तेजी नहीं लगती है फिलहाल, मुझे लगता है कि दालों में प्रेशर बना रह सकता है। रूपा जी, विशाल गुप्ता जी जुड़े हुए जिनका सवाल धनिया को लेकर आ रही है, जानना चाह रहे हैं धनिया इस साल हाजिर में लेना सही रहेगा क्या?
देखिए बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन गिरावट पर लेना है। अभी देखिए ऑलरेडी मार्केट काफी तेज है, इन लेवल्स पर बाइंग काफी रिस्की हो जाती है क्योंकि करेक्शन भी ड्यू है, तो जब करेक्शन आए उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल तो फिलहाल सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है, आने वाला कारोबारी सप्ताह कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रह सकता है और इस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए व्यस्त नहीं, लेकिन आपको एंजॉयगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।